नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेडीमेड लुक में एक कैप लाई हूँ जो 10 साल के बेबी से लेकर जेंट्स के सिर में भी, देखिए ये इतना स्ट्रेचेबल है कि ये 10 साल के बेबी से लेकर जेंट्स के सिर में भी आसानी से आ जाएगा। और ये 2-in-1 है, यानी इसे आप दोनों साइड से पहन सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई हुई है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ये दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, यानी डबल रिब में इसकी बुनाई हुई है। और इसका ये फ्रंट लुक देखिए, ये इसका फ्रंट अपर लुक है। देखिए ये फूल की तरह बन के आया है। और रॉन्ग साइड से भी इसका अपर लुक देखिए, ये कितना सुंदर बन के आया है। बनाना भी बहुत आसान है, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जिसे सीधा उल्टा बुनने आएगा वो इसे आसानी से बना सकता है। बनाना बहुत ही आसान। और इस कैप को आप बच्चे से लगाए बड़ों के लिए भी इसी फंदे पे, यदि आप बड़ा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैंने मेथड दिया है कि आप इसको कैसे घटाएंगे, तो आप उस मेथड को यूज करके किसी भी साइज का बना सकते हैं। वैसे ये 10 से लगाए जेंट्स के सिर में भी आसानी से आ जाएगा। तो डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और बनाना बहुत ही आसान। फ्रेंड्स, कैप बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो इसे आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसकी लंबाई मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 11 इंच बनके तैयार है। इसे आप ऐसे फोल्ड करके पहनेंगे और ये सिर में बहुत ही अच्छा आएगा, ऐसे चिपक सा जाएगा और आपके सिर को बहुत गर्म रखेगा। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत है। फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाते हैं। मैंने 10 नंबर की सिलाई से डबल धागे से 120 फंदे डाले हैं और अब ये पहला लाइन है और सामने से, तो हम दो फंदा सीधा, एक दो उनपनी और दो फंदा उल्टा, तो इन्हीं चारों फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। दो फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए, यानी डबल रिब में बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने दो फंदा उल्टा बुना था, अब इधर ये दो फंदा सीधा है, तो हम इसे सीधा बुन लेंगे, यानी दो फंदा सीधा और अगला दो फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते हुए, यानी देखिए ये हमारे सामने की तरफ है, तो हमने दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की थी। और रॉन्ग साइड से अब देखिए यहाँ पे लास्ट में दो फंदे उल्टे आए थे, तो रॉन्ग साइड से ये हमारे सीधे फंदे हो जाएंगे। यानी दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए हमने देखिए 9 इंच कंप्लीट कर लिया है। इन्हीं दो लाइनों को दोहराते हुए हमने 9 इंच तक कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसकी घटाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने 120 फंदे लिए थे, हमने 120 फंदे लिए थे, एक जगह पे हम 3 का 1 करेंगे यानी 3 फंदे लेंगे, तो 5 जगह पे हो गए 15 फंदे। 120 में से 15 फंदे घट गए तो हुए 105 फंदे। और हम 105 फंदों को 5 जगह से घटाएंगे तो एक खाने में हुए 21 फंदे। यदि आप फंदों को कम या अधिक करेंगे तो इसी तरह से आप मैनेज कीजिएगा। ऐसे ये मीडियम साइज का है तो ये 8 से 10 साल के बच्चे से लेके 15 से 20 साल के बच्चे के सिर में आसानी से हो जाएगा। तो इस उम्र के लिए आप 120 फंदे लीजिएगा। और यदि आपको फंदे घटाने हो या बढ़ाने हो तो आप इसी मेथड से फंदे घटाइएगा। तो चलिए अब हम फंदे घटाते हैं। तो देखिए पहले हम 10 फंदों को बुनेंगे, जैसा हमारा पैटर्न है वैसे ही हम बुनेंगे, यानी दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा बुनते हुए 10 फंदों को बुनेंगे। तो 4 हुए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 फंदे हो गए। अब हमें 3 फंदों को एक करना है, तो देखिए अब दूसरे वाले फंदे को हम एक पहले फंदे को छोड़ लेंगे, पहले फंदे को हम दाहिने सिलाई में ले लेंगे। और अब इन तीन दोनों फंदों को, यानी देखिए 3 फंदे हो गए, 1 2 3, तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 3 का 1 करेंगे। अब फिर हम 21 फंदे बुनेंगे, तो ये सीधा है ऐसे सीधा, 1 2 3, जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा। तो 5 हुए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 फंदे हमने बुन लिए। अब हमें फिर 3 फंदों को एक करना है, तो देखिए दूसरे वाले फंदे को हम आगे कर लेंगे, दाहिने सिलाई में कर लिया। अब इन दोनों फंदों को हम लेंगे, देखिए दूसरा वाला फंदा ऊपर आ गया है, तो दोनों 3 फंदे हो गए। इन तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 3 का 1 कर लेंगे। अब फिर हम 21 फंदे बुनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
फिर हम तीन फंदों को लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, एक दो तीन, पहले दूसरे वाले फंदे में डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में, तो तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर 21 फंदे हम बुनेंगे। फिर हमें तीन का एक करना है, तो यहाँ पे जैसा हम गले में घटाते हैं वैसे ही हम घटाएंगे। देखिए, पीछे वाले दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, बीच वाले फंदे को दाहिने सिलाई में ले लेंगे। अब या तो हम चाहें तो इन दोनों फंदों को घटा के बीच वाले फंदे को इसके ऊपर चढ़ा दें जैसे हम गला में घटाते हैं, या फिर तीनों को एक साथ लेके घटाएं, तो दोनों तरीकों में से हम किसी भी तरीके से घटा सकते हैं। अब फिर हम 21 फंदों को बुनेंगे, दो तीन चार पांच, फिर तीन फंदों को हम लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। अब शेष फंदे, उन्हें हम जो सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देके, चूंकि बीच में फंदे घट गए हैं, तो हमें ध्यान देके बुनना होगा, जो सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जो दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे, और जहां जहां पे हमने फंदे घटाए हैं वहां पे देखिए, अब यहाँ पे चार फंदे उल्टे हो गए हैं, तो इन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड से सभी फंदे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, और घटाने के बाद से ये पिछली लाइन में हमने घटाया था, अब ये तीसरा लाइन है, तो इस पिछली लाइन में हमने 10 फंदे सीधे 10 फंदे बुने थे, इस लाइन में हम 9 फंदे बुनेंगे। दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा बुनते हुए 9 फंदे बुनेंगे। दो हुआ उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, चार, फिर दो फंदा सीधा, छः, दो फंदा उल्टा, आठ और एक फंदा सीधा, ये हो गया 9 फंदा। अब हम फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने फंदे घटाए थे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। जिस फंदे को देखिए, दूसरा वाला फंदा ऊपर की तरफ आएगा, तो तीन का एक किए। अब देखिए, दो पिछली बार हमने 21 फंदे बुनने के बाद घटाया था, तो एक फंदा इस साइड से घट गया है, एक फंदा इस साइड से घट गया है, यानी अब की हम 19 फंदे बुनेंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम 19 फंदों को बुनेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये हो गया 19। 19 फंदों के बाद हमें तीन फंदों को एक करना है, तो बीच वाला फंदा ऊपर रहेगा, तो इसको या तो ऐसे करके ऊपर कर लीजिए, और अब तीन फंदों को एक साथ लेके सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लीजिए। ठीक है,
अब जो फंदा सीधा दिखाई दे उसे सीधा, जो फंदा उल्टा दिखाई दे उसे उल्टा बुनते हुए 19 फंदे हम बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 फंदे हो गए। अब देखिए फिर हम अपने घटाने वाली जगह पे आ गए हैं, तो दूसरे वाले फंदे को ऐसे सामने उतार के आगे की तरफ कर दीजिए और ऐसे घुमा के सीधा कर दीजिए। अब तीन फंदों को एक साथ लेके और सीधा बुनते हुए 3 का 1 कर लें। अब फिर हम 21 फंदे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर हमने 19 फंदा बुन लिया। अब फिर हम देखिए घटाने वाले जगह पे आ गए हैं, तो दूसरे वाले फंदे को हम ऐसे सीधा करके आगे की तरफ कर लेंगे और 3 फंदों को हम लेंगे, 1, 2 और 3। 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे यहाँ हमारे घट गए। अब फिर हम 19 फंदे बुनेंगे। अब देखिए 19 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर हम घटाने वाली जगह पे आ गए हैं, तो बीच वाले फंदे को यानी दूसरे फंदे को ऐसे हम लेंगे और सीधा करते हुए इन आगे की तरफ से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे, 1, 1, 2 और 3। तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से पीछे की तरफ से हम सीधा बुनते हुए 1, 2 और 3 पीछे की तरफ से हम सीधा बुनते हुए 3 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे घट गए। अब शेष फंदों को सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से भी हम जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा और जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हम कोई भी फंदे घटाएंगे नहीं, बस हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे उनको बुनना है। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए, तो इस लाइन में हम 8 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 फंदों का 1 करना है। दूसरे वाले फंदे को हम ऐसे सीधा करके आगे की तरफ लाएंगे, फिर 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 का 1 कर लेंगे। तो 2 फंदे यहाँ पे हमारे घट गए। अब उन अपनी ओर करेंगे। अब हमें 17 फंदे बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब फिर हमें यहाँ पे 3 फंदों को 1 करना है, तो उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम फिर घटाने वाले जगह पे पहुंच गए, तो दूसरे वाले फंदे को हम आगे कर देंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे
और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। तो और फिर हम 17 फंदे बुनेंगे, जो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम 17 फंदे बुनेंगे। पहली लाइन में हमने 21 फंदे बुन के तब फंदे घटाए थे, अगली सीधी लाइन में हमने 19 फंदे बुने तब फंदे घटाए, और इस लाइन में हम 17 फंदे बुन के तब फंदे घटा रहे हैं। यानी हर सीधी लाइन में एक फंदा इधर और एक फंदा इधर घटने से बीच में दो फंदे कम हो जा रहे हैं। तो 21 फिर 19 फिर इस लाइन में 17 फंदे हुए। इसी तरह हर सीधी लाइन में दो फंदे हम घटाते जाएंगे। तो आप भी घटाइए, मैं भी घटाती हूँ, फिर हम मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी लाइन में हमारे ये जो 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट में 3 का एक किया, यानी दोनों साइड से एक एक फंदे घट गए। हर पॉइंट पे 2 फंदे घटे हमने, इन 5ों पॉइंट पे 3 फंदे का एक किया। हर सीधी लाइन में 2-2 फंदे घटाए। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, देखिए दोनों साइड से ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इस समय हमारी सिलाई पे देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे रह गए हैं, और अब हम 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 को लिया और सीधा बुन लिया, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लिया और सीधा बुन लिया, फिर 2 फंदों को लिया और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लिया, नेक्स्ट 2 फंदों को लिया सीधा बुनते हुए 2 का एक, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लिया और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लिया। तो अब हमारी सिलाई पे 5 फंदे रह गए हैं, और अब यहाँ पे हमारी बुनाई कंप्लीट होती है। अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे, क्योंकि अब हमें सिलाई करनी है। तो हमने सुई में धागा डाल लिया, अब इन 5 फंदों को हम इस सुई पे उतार लेंगे, यानी इन 5ों फंदों के अंदर से इस सुई को निकाल लेंगे। देखिए हमने ये हमारा धागा इस साइड में है, हमने दूसरी साइड से सुई को एंटर किया है। अब इस धागे को ऐसे खींच लेंगे और एक बार हम और इनमें से सुई को निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह बन के आया है। अब यदि हमने अच्छी से सिलाई कर दी तो ये हमारा कैप जो है वो 2-in-1 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। अब देखिए हम सीधी तरफ से कर सकते हैं, उल्टी तरफ से कर सकते हैं, किसी भी साइड से हम इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो हमारे देखिए ये एज के फंदे हैं, सीधे सीधे फंदे, ये सीधी लाइन आई हुई है, तो हम इनमें ही ऐसे पूरी पूरे फंदे को हम लेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड से, ऐसे पूरे पूरे फंदे को लेंगे, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से, देखिए प्रत्येक फंदे में हमें जो हमारे एच का फंदा है इसमें प्रत्येक ऐसे फंदे के दोनों सिरे को ऐसे पकड़ेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड से, कोई भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है, दोनों साइड से एक एक फंदा लेंगे और दोनों सिरे को हम ऐसे पकड़ेंगे।
थोड़ा सा मैं सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी सिलाई हो रही है। देखिए हमारा दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा का पैटर्न है। ये हमारी सिलाई हो रही है। देखिए दो फंदा सीधा, फिर ये दो फंदा उल्टा, और ये देखिए हमारा ये दो फंदा सीधा होता चला जा रहा है और इसके साइड में दो फंदा उल्टा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ से हुई है। अब इस फंदे को हमने सिल लिया। अब देखिए दोनों सिरे को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये सीधा फंदा जा रहा है, इसके दोनों सिरे को ऐसे पकड़ेंगे और सुई को निकालेंगे, एक बार इस तरफ से एक बार दूसरी तरफ से, दोनों सिरे को पकड़ेंगे और ऐसे निकालेंगे, फिर ऊपर से नीचे, एक बार इधर से और एक बार दूसरी तरफ से, एक बार एक तरफ से, एक बार दूसरी तरफ से। तो हम ऐसे ही करते हुए थोड़ा सा ऐसा खींच देंगे, ऐसे ही करते हुए हम पूरी सिलाई कर लेंगे, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, जो सीधे फंदे का हमारा एज गया है उसी में ऐसे दोनों सिरे को पकड़ेंगे और सिलते चले जाएंगे। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हम अपना सिलाई रुक देते हैं और ये देखिए जो ये हमारे फंदे हैं जिससे हमने फंदे डाले थे, ये जो धागा है जिससे हमने फंदे डाले थे, इसको हम क्रोशिए से इधर से निकाल देंगे यदि, तो ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दिखाई भी नहीं देंगे, सिलाई में चले जाएंगे। तो इसको हम क्रोशिए से ऐसे फंसा देते हैं। और अब हम इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ से अब ये दिखेंगे नहीं और रहिए हमारे सिलाई में अंदर चले जाएंगे। तो एक बार इधर से सिलना है, एक बार इस साइड से सिलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई हो गई। देखिए
यहाँ से हमारी सिलाई हुई है। देखिए ये इसका ऊपर से देखिए ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये फ्रंट साइड है और इसको ऐसे उल्टा कर दे तो देखिए ये रॉन्ग तरफ से ये ऐसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसकी सिलाई देखिए, रॉन्ग साइड से इसकी सिलाई देखिए, तो इसे आप दोनों साइड से पहन सकते हैं। और ये टोटल लंबाई इसकी हुई है 11 इंच, इसकी टोटल लंबाई 11 इंच हुई है। ये फ्रेंड्स हमारी कैप बनके तैयार है। ये देखिए इतना स्ट्रेचेबल है कि ये 9-10 साल के बच्चे से लेके जेंट्स के सिर में भी आसानी से आ जाएगा। देखिए ये ऊपर से देखिए इसका कैसे फूल सा बन के ये आया है, देखिए कितना खूबसूरत है और कितनी सफाई आई है। और रॉन्ग साइड से भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये 2-in-1 है, दोनों साइड से आप इसे पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैप आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।